हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट का प्रॉफिट गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बेहतरीन स्टॉक लेकर आए हैं जो कल आप लोगों को इंट्राडे में जोरदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं। दोनों स्टॉक दोस्तों प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के रूप में आप लोगों को अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में आज बहुत ही शानदार तेजी हमें देखने को मिली, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, सेंसेक्स में भी अच्छा देखने को मिला है, ठीक है। और सभी अब अपने लाइफ टाइम हाई के करीब देखने को हमें मिल रहे हैं। मार्केट का जो मोमेंटम है, मार्च महीने में बहुत स्लो था, लेकिन अब एक बहुत अच्छा देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है मझगांव डाक। मझगांव डाक की अगर मैं बात करता हूँ, ये स्टॉक दोस्तों काफ़ी दिन कंसोलिडेट किया, ठीक है, मात्र 200 पॉइंट की रेंज में। वो रेंज थी दोस्तों, आप अगर मैं बात करता हूँ 1850 तो मान ही लीजिए, और ऊपर 1950 रुपये मान लीजिए। इतने दिन दोस्तों अगर आप देखेंगे ना, तो इस लेवल में कंसोलिडेट किया, बस यही वेट किया जा रहा था या तो ब्रेकआउट मिले या ब्रेकडाउन मिले, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों ब्रेकआउट मिले और अपन कूद पड़े, थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। तो हमने थोड़ा वेट किया, यहाँ पर हल्का सा ब्रेकआउट मिला, लेकिन जो ओरिजिनल ब्रेकआउट मिला वो यहाँ पर मिला, देन उसके बाद फिर से साइडवेज हो गया। मतलब एक बार फिर से बड़े मोमेंटम की हमें एक्सपेक्टेशन है। मतलब नीचे अगर 2150 रुपये के लेवल की मैं बात करता हूँ, और ऊपर अगर मैं 2250 लेवल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर 3 दिन समय बिताने के साथ आज उसने फिर से 2250 रुपये के लेवल को क्या किया है दोस्तों, ब्रेकआउट दिया। जैसे वहाँ पर 1950 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट दिया था, वैसे यहीं पर 2250 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट दिया है, जो हमारे लिए एक अच्छा देखने को मिल रहा है कि हाँ, स्टॉक अगर ब्रेकडाउन देता तो हम दोस्तों नीचे के साइड जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर भी हमने देखा एक चैनल में ड्रॉ हुआ, ब्रेकआउट दिया तो बड़ा मोमेंटम आया। यहाँ भी एक चैनल बनी, एक ब्रेकआउट मिला, तो हो सकता है कि एक बड़ा मोमेंटम भी हमें स्टॉक में देखने को मिल जाए। तो इसी हिसाब से हम स्टॉक को कल की डेट में बाय करके चलेंगे। तो किस लेवल से बाय करेंगे ये मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, कल की डेट में अगर हम पोजीशन बनाएंगे तो 2260 रुपये के लेवल से बनाएंगे, जो हमारे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 2280 का रखकर चलेंगे, ठीक है। और सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 2300 का रखेंगे। इस हिसाब से दोस्तों हम स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे। SL की मैं बात करता हूँ, 2240 का लेकर चलेंगे, ठीक है। अब ब्रेकआउट मिलेगा तो, मतलब ब्रेकआउट तो मिल चुका है और कम्फर्ट जोन में जाएगा, तो हमें ये टारगेट और ये जो लेवल है वो मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा ना, तो हमारा ये जो SL है ये हमारी कॉस्ट पर फिर आ जाना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से मझगांव डॉक में हम कल ट्रेडिंग करने की कोशिश जरूर करेंगे। और एक और अपडेट देना चाहूँगा दोस्तों ये है हमारा प्रॉफिट गुरु FNO कॉल का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर डेली बेसिस पे दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में अपडेट दिए जाते हैं। आज भी 9:17 पर अपडेट कर दिया कि हमारा ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, नीचे का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही दोस्तों 48,500 का लेवल टूटते दिखा, पुट साइड में काम किया और वहाँ पर हमारा जो टारगेट है अचीव हुआ, ठीक है। फिर लगभग 12:30 फिर अपडेट कर दिया कि 48,600 का लेवल ब्रेक हो चुका है, एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। डेफिनेटली आया दोस्तों, करीबन 115 पॉइंट के आसपास का यहां पर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया। जब डेली बेसिस पे दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें यहां पर पता चलती है, तो मार्केट के रिलेटेड जो डायरेक्शन है, जो कॉन्फिडेंस है, अलग लेवल का ही रहता है। क्योंकि दोस्तों बहुत कम जन रहते हैं जो मार्केट में ऐसी चीजें आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, नहीं तो बताने के बहुत सारे पैसे लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को और समझने को मिलेगी, और साथ में मार्केट का डायरेक्शन भी रहेगा, ठीक है, जिससे आप लोग दोस्तों कंफर्ट जोन में ज्यादा रहोगे, ठीक है। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए चलते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो सेकंड स्टॉक है उसका नाम है BEML। BEML को अगर आप ढंग से फॉलो कर लोगे ना 6 महीने, तो आपको एक बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। आप ट्रेंड को देखो धीरे से कहाँ जा रहा है, ट्रेंड दोस्तों कहाँ से जा रहा है, सीधा दोस्तों ये मान के चलिए 3000 के लेवल से सीधे 3400-3500 रुपये लेवल आ चुका है। ज़्यादा समय नहीं हुआ, 15 दिन हुए हैं, 15 दिन, ठीक है। आप देख सकते हैं मोमेंटम कितना अच्छा हो गया है, और आगे भी हमें ऐसे ही दिखेगा क्योंकि डिफेंस स्टॉक है। अब ये ट्रेंड जो जा रहा है, ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। हर छोटे मोमेंटम पे हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, तो डेफिनेटली उस ब्रेकआउट को भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब आज की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए सबसे पहले ऊपर गया, नीचे आया,
3400 रुपये के लेवल को दोस्तों सपोर्ट बना के फिर ऊपर गया। तो मतलब दोस्तों 3450 रुपये के लेवल के ऊपर और इसमें डिमांड क्रिएट हो सकती है। तो हो सकता है कि देखिए ट्रेंड को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा मोटा अगर एनालिसिस कर ले और छोटे मोटे ब्रेकआउट पर अगर हम ट्रेड कर ले तो हमें एक ईजिली वे में 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। तो हमारे लिए ब्रेकआउट लेवल 3450 का है, डेफिनेटली ये एक एंड पैटर्न बना देगा, ये एंड पैटर्न बना के एक अच्छा खासा मूवमेंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है। अब जो ब्रेकआउट लेवल बचा है वो 3450 का है, जैसे इसको ब्रेक करेगा हमारी पोजीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी और हमें टारगेट अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो क्या लेवल रहेंगे, देखिए 3460 रुपये से स्टॉक को बाय करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम दोस्तों लगभग 3480 का टारगेट रखेंगे पहला और 3500 रुपये के समथिंग का दूसरा टारगेट रखकर चलेंगे। ठीक है, और 3440 का SL रखकर चलेंगे, इस हिसाब से इसमें भी पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा तो हमारा जो ये SL है ये हमारी कॉस्ट पर आ जाएगा, इस हिसाब से हम BEML में पोजीशन बनाएंगे। तो ये दो बेहतरीन स्टॉक है। ठीक है, दोनों पे हमने हमारा टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को अपडेट कर दिया है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली बेसिस पे ऐसे अपडेट आप लोगों के लिए आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।